हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी प्रिंस ब्लॉग्स। आज मैं आपको बताऊंगी एक नया रेसिपी। हमेशा हम मसालेदार सब्जी खा खा के बोर हो चुके। मसालेदार सब्जी डेली भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मैं आज बिना मसाले वाला सब्जी बनाऊंगी। इसलिए मैं लिया है एक बैंगन, दो टमाटर और दो आलू। अभी मैं उसको बनाऊंगी सब्जी। अभी सब्जी बनाने के लिए मैं इसमें 3 कप पानी ले ली और अभी गैस ऑन करेंगे। और पानी को थोड़ा गर्म होने तक छोड़ देंगे। पानी गर्म हो गया, हम अभी इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया। अभी हम उसमें डालेंगे 1 कटे हुए आलू। कटे हुए आलू डालेंगे अभी। और अभी हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। आपका सभी सब्जी का क्वांटिटी के अनुसार आप नमक डाल देंगे। और अभी हम ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के उसको हम 5 मिनट छोड़ देंगे। देखिए अभी उसमें कितना अच्छा सा उबाल आ रहा है, कलर भी अच्छा दिख रहा है। अभी हम उसके ऊपर डालेंगे ये कटे हुए बैंगन। बैंगन डालेंगे अभी। बैंगन डाल दिया, अभी उसको हम ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पर बैंगन को पकाना है, नहीं तो बैंगन नहीं पकेगा। अभी देखिए बैंगन और आलू दोनों का अच्छा उबल आ गया। अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। कटे हुए टमाटर को डाल के अभी हम गैस को मीडियम फ्लेम में रख देंगे, मीडियम में। उसको और 5 मिनट छोड़ देंगे अच्छा से उबाल होने तक। अभी 5 मिनट हो गया, ये सब्जी अच्छा से पक गई। अभी उसको हम तड़का लगाएंगे। इसमें तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है 1 सूखा मिर्ची, 2 ग्रीन मिर्ची और लहसुन और फ्राई वाला मिर्ची और जीरा का पाउडर और ये मिक्सी का जीरा, मेथी जीरा, सरसों और पान मोहर, इसके क्या बोलते हैं मेरे पता नहीं। अभी उसमें हम डाल देंगे सूखा वाला मिर्ची। तेल डाल दिया पहले, तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें सूखा मिर्ची डाल दिया। अभी डालेंगे ये मिक्स वाला, मिक्स वाला डाल दिया। अभी देखिए अभी हम डालेंगे ये ग्रीन मिर्ची डाल दिया और फटाफट डाल देंगे ये लहसुन, कुटी हुई लहसुन। मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती, आप लोगों को तीखा चाहिए तो और मिर्ची आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मसाला इसमें नहीं डालना है। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, बीमार में ये रामबाण जैसा काम करता है, बहुत अच्छा भी लगता है उसका खुशबू। अभी हम तड़का लगा रहे तो उसका खुशबू बहुत अच्छा से आ रहा है। ये भी बहुत ईजी रेसिपी है, उसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा उसमें। देखिए लहसुन पक्की हो गई, तो अभी हम उसमें ये बॉयल वाला सब्जी डाल के चटापट ढक्कन लगा देना, चटापट लगा देना, नहीं तो उसका खुशबू बाहर आ जाएगा। अभी हम उसको देखेंगे कैसा हुआ है। देखिए उसका कलर कितना अच्छा रहा है, खुशबू भी अच्छा रहा है। अभी हम इस स्टेज पर डालेंगे ये फ्राई वाला जीरा और मिर्ची का पाउडर,
ये सब्जी रोटी या चावल के साथ आप लोग खा सकते हैं। रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा रहता है, चावल के साथ भी खा सकते हैं। देखिए ये रेडी हो गया हमारा बिना मसालेदार सब्जी। ये आप लोग घर पर ज़रूर उसको ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आपको कैसे लगेगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करना।